आगे बढ़ते हैं, जयपुर का रुख कर लेते हैं। गृह विभाग से बड़ी खबर सामने आ रही है, चिकित्सकों से यहां पर मारपीट की को लेकर एसओपी जारी की गई है और बिना जांच पुलिस डॉक्टरों के खिलाफ केस नहीं करेंगी दर्ज। घोर जो चिकित्सकीय उपेक्षा की राय मिलने के बाद ही एफआईआर दर्ज होगी ऐसा कहा गया है और केस होने के बाद भी एसपी की मंजूरी से ही गिरफ्तारी होगी। चिकित्सकीय उपेक्षा से मृत्यु होने पर धारा 174 के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज होगा। थानाधिकारी जो है वो निष्पक्ष जांच करेंगे और जांच में मेडिकल बोर्ड से राय ली जाएगी। तो ये बड़ी खबर डॉक्टरों से जुड़ी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डॉक्टरों से मारपीट को लेकर, मारपीट की जो घटनाएं सामने आती है उसको लेकर एसओपी यहां पर जारी किया गया है और डॉक्टर्स के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज होते हैं उनको लेकर यहाँ पर कुछ नई गाइडलाइंस सामने आई हैं और इन गाइडलाइंस के लिए ये कहा गया है कि बिना जांच जो पुलिस डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ बिना जांच के जो मुकदमा है दर्ज नहीं किया जाएगा और ना ही एसपी के अनुमति के खिलाफ उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, ये जो पूरी एसओपी और जो पूरा कानून ये नया आया है उसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, ये गृह विभाग की ओर से एसओपी जारी की गई है और ये राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी, चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान, इनका और संपत्ति के नुकसान निवारण अधिनियम 2008 के तहत ये एसओपी जारी की गई है और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि इस तरह की एसओपी जारी की जाए। और इसको लेकर ये कहा है कि पुलिस थाने में या जो पुलिस थाना प्रभारी है उसको अगर सूचना प्राप्त होती है कि कहीं चिकित्सा कर्मियों या डॉक्टरों के खिलाफ कोई मारपीट का आरोप है तो वो पहले उसको परिवाद अंकित करेगा, उसकी जांच करेगा और उस जांच के बाद ही वो मुकदमा दर्ज करेगा। और इसके अलावा जो सूचना परिवाद या कोई लापरवाही मामले में सामने आती है तो वो जो आईपीसी की धारा 1973 है उस 174 के तहत मामला दर्ज करेगा और पोस्टमार्टम जरूर करवाएगा इस आवश्यक कार्रवाई का। इसके अलावा जो थाना अधिकारी है वो एसपी के बिना अनुमति के जो डॉक्टर्स हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं करेगा। ठीक है विष्णु, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर्स को लेकर ये नया नियम और नया एसओपी।